Hey guys, welcome to our channel. तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है. आज हम आपको लेके जाएंगे जर्मनी के सुपरमार्केट में. और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है सुपरमार्केट जैसे एकदम मामूली सी जगह पे भी. और हाँ, आपको हम ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के सब चीज़ें मिलती है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी में कभी आने का. तो कैसे टाइप की सब्जियां मिलती है, कैसे टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं. तो चलिए चलते हैं एक सुपरमार्केट में जो कि हमारे घर के पास ही है और हम आपको लेके चलते हैं हमारे साथ और लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. अभी हम आ गए हैं, हम खड़े हैं नेटो के सामने जो कि एक सुपरमार्केट है यहाँ पे. तो आपको एक सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि जर्मनी में सुपरमार्केट कैसे होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे नेटो एक ब्रांड है, वैसे ही आल्डी, एडिका, रेवे, ये अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं जिनके सुपरमार्केट्स आपको हर जगह पर मिलेंगे जर्मनी में. और यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में हर एक प्रोडक्ट का MRP होता है. तो आप अगर सनफ्लावर ऑयल ख़रीदने जाते हो किसी किराना शॉप में तो वो आपको हर जगह पे सेम मिलेगा MRP जो होता है. बट यहाँ पे जर्मनी में MRP कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है. यहाँ पे अगर आप सनफ्लावर ऑयल अगर ख़रीदने जाते हो तो नेटो का प्राइस आपको अलग मिलेगा कंपेयर्ड टू रेवे का. तो और एक चीज़ जो यहाँ पे अलग होती है वो है कि एक ही जगह पे, एक ही सुपरमार्केट में आपको सब किस्म की चीज़ें मिल जाएगी. इंडिया में जैसा होता है कि फ़िश मार्केट अलग होता है, आपको अगर मीट ख़रीदने जाना है तो आपको कहीं और जाना पड़ता है. बट जर्मनी में ऐसा नहीं है, आपको सारे टाइप के प्रोडक्ट्स जो भी ग्रोसरी से रिलेटेड है वो आपको एक ही सुपरमार्केट में मिल जाएंगे. अंदर लिटिल के अंदर और आप देख सकते हो कि कैसे टाइप की सब्जियां यहाँ पे मिलती है. अलग टाइप के सब्जियाँ मिलती है कंपेयर टू इंडिया. तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है. टमाटर वगैरह तो होते हैं, बीन्स कभी कभी आते हैं यहाँ पे. हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ इंडियन सब्जियाँ जो नहीं मिलती है, जैसे कि भिंडी हो गया, वो आपको नॉर्मल सुपरमार्केट पे यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो यहाँ पे ग्रो नहीं होता है. तो ये सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट्स में मिलती है, जैसे कि इंडियन मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो लोग इंपोर्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करते हैं. बट ये जैसे कि ये नेटो बहुत सारी जगह पे होता है, वैसे इंडियन सुपरमार्केट बहुत कम जगह पे मिलेगा. तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ से ख़रीदें क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलते हैं. और यहाँ पे और एक चीज़ बहुत कन्वीनियंट होती है वो है कि आपको अगर हर्ब्स ख़रीदने हैं, मिंच वगैरह या फिर धनिया ख़रीदना है तो वो आप पॉट में ख़रीद सकते हो. तो सुपरमार्केट में आपको ऐसे पॉट्स मिलते हैं जिसमें आप मिंट या ये सारी चीज़ें ख़रीद के आपके किचन में रख सकते हो और ख़ुद उसको ग्रो कर सकते हो ताकि आपको ये बार बार ख़रीदना ना पड़े और आपके पास एक पौधा हो जाता है. और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं.
यहाँ पे एप्पल्स और ऑरेंजेस ईयर राउंड आपको मिल जाएंगे, ये काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे, और मेलन्स भी बहुत होते हैं, प्लस बेरीज भी आपको बहुत टाइप के यहाँ पे मिलते हैं जो कि आप हर बार ख़रीद सकते हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइनएप्पल अनानास वगैरह भी आया है, तो जर्मन में पाइनएप्पल को अनानास ही बोलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्स रखे हुए हैं। यहाँ पे जर्मनी में आप देखोगे कि दो टाइप के एग्स मिलते हैं, ये कलरफुल वाले जो होते हैं ये ऑलरेडी बॉइल्ड एग्स होते हैं, तो आपको सिर्फ इसको निकाल के खाना है। तो बहुत सारी शॉर्टकट चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है, ये इनमें से एक है। बहुत दिनों तक ये चलते हैं, आप इनको बाहर रख सकते हो और रेडी टू ईट होते हैं ये। और ये जो देख रहे हो वो नॉर्मल एग्स है जो आपको उबाल के या फिर कुछ और बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कच्चे अंडे, और ये जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड एग्स है। यहाँ पे बड़े बड़े फ्रिज एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको आइसक्रीम मिल सकता है या फिर केक मिलता है, और ये साइड पे फ्रूट है, फिर बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये होता है कि इंडिया में जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े किचन होते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट किचन होते हैं। तो मोस्टली अगर आप एक जन या सिर्फ दो जन किचन में खड़े हैं तो किचन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे पिकल प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, तो हर किस्म की सब्ज़ी आपको पिकल फॉर्म में मिल जाएगी। ज़्यादा फेमस होता है कुकुम्बर, या फिर यहाँ पे गोभी, पत्ता गोभी वगैरह भी बहुत पिकल फॉर्म में आपको मिलता है। और बहुत अजीब चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है कि अंडे भी यहाँ पे पिकल्ड फॉर्म में मिलते हैं, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया है, बट बहुत ही डिफरेंट लगा हमें वो। हमें अभी अभी यहाँ पे इंडिया का एक सेक्शन मिला है, यहाँ पे हर किस्म के इंडियन करी कभी ट्राई करके देखना है। बटर चिकन सॉस, बटर चिकन सॉस, चिकन फ्राई करो और सॉस डालो, यहाँ पे सब चीज़ का शॉर्टकट मिल जाएगा आपको। इंडियन रेसिपीज़ का भी शॉर्टकट है यहाँ पे इनके पास। तो हमारी शॉपिंग हो गई है और
हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक भी है। तो अभी हम एंजॉय करते हैं और आप भी हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ स्पेशली जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बाय बाय।